देश में पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और मैं इस वक्त हूँ दिल्ली में। दिल्ली में आपको पेट्रोल पंप पर क्या हाल है मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए इस वक्त पेट्रोल के दाम जो हैं वो 99.90 रुपये पहुँच चुके हैं, यानी कि सिर्फ 10 पैसे दूर हैं सेंचुरी तक पहुँचने के लिए। अगर इसी तरीके से पिछले 7-8 दिन की बात करें, इस महीने की बात करें, तो लगभग 4 या 5 बार पेट्रोल के या डीजल के दाम में है वो जो धीरे धीरे 20 पैसे 30 पैसे 35 पैसे इस तरीके की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। और अगर यही हाल रहा तो 1 या 2 दिन में ये जो है आंकड़ा जो है वो सेंचुरी पार कर जाएगा, 100 का आंकड़ा पहुंच जाएगा और कहीं ना कहीं भारत के इतिहास में पहली बार होगा जब ये 100 का आंकड़ा दिल्ली में पार करेगा। कुछ लोग पेट्रोल डला रहे हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर पेट्रोल के दाम इतने बढ़ रहे हैं, क्या मार पड़ रही है? बहुत बुरा हाल हो रखा है भाई, पेट्रोल के रेट बढ़ने से सारी चीज़ें बिगड़ जाती हैं, बजट तो बिगड़ता है, साथ में घर का बजट भी बिगड़ जाता है। और यही हाल रहा तो एक दिन पहले ही काम धंधे नहीं है, यही हाल रहा तो ऐसा लग रहा है कि मिडिल क्लास तो बिल्कुल ही रोड पर ही आ जाएगा अगर यही सिचुएशन चलती रही तो, क्योंकि लोअर क्लास के लिए भी कुछ ना कुछ सरकारें करती रहती है और हायर क्लास वाले को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फंसता सिर्फ मिडिल क्लास ही है जिसके पास ना कोई सब्सिडी आती है ना किसी चीज़ की फैसिलिटी होती है। अननेसेसरी बजट सारा वर्कलोड और टैक्स दे के वैसे ही सब कुछ ख़त्म हो जाता है, तो आखिरी में जो लोड पड़ता है वो मिडिल क्लास के ऊपर ही पड़ता है। तो आपने देखा कि किस तरीके से लोग जो हैं वो बेहद परेशान हैं और कहीं ना कहीं कोरोना का ये कोरोना महामारी का टाइम चल रहा है, एक तरफ जहां पर लोगों का व्यापार चला गया है, एक तरफ जहां पर लोगों के पास काम धंधा नहीं है, नौकरियां चली गई हैं, और उस वक्त अगर ये इस तरीके से पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी होगी तो कहीं ना कहीं दोहरी मार पड़ने वाली है। एक और शख्स हैं जो बाइक में पेट्रोल डला रहे हैं, उनसे पूछते हैं पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं क्या कहेंगे आप? सर क्या कहेंगे, बहुत परेशान है, बहुत परेशान है, और क्या कहेंगे सर, इस तरीके से मार पड़ रही है, डबल मार पड़ रही है, एक तो काम नहीं है, ऊपर से पेट्रोल इतना महंगा हो गया, कहाँ से क्या करेंगे, सैलरी टाइम पे आती नहीं है। तो आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं लोग जो हैं वो बेहद परेशान हैं, तनख्वाह टाइम पे मिल रही नहीं रही है, कहीं ना कहीं कोरोना की वजह से लोगों की नौकरियां भी चली गई हैं, और ऐसे वक्त में पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी होगी तो कहीं ना कहीं दोहरी मार लोगों पर पड़ रही है। और जिस तरीके से सरकार से जब भी पूछा जाता है, सरकार का कहना है कि कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में जो तेल के दाम में बढ़ोतरी हो रही है उसकी वजह से ये पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी की जा रही है। अब सवाल ये है कि अगर इसी तरीके से बढ़ोतरी होती रही तो लोगों को जो है वो किस तरीके से अपना बजट, घर का बजट किस तरीके से मैनेज करेंगे। कैमरा पर्सन पंकज के साथ दिल्ली सरदेश यादव, न्यूज़ पॉइंट।